हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सेशन है। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ अ लेटर एस एज अ सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद हम यूज करेंगे, सफिक्स मतलब बाद में, ठीक है। सो इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो लेटर एस है उसको एज अ सफिक्स हम कहां पर यूज करेंगे और कहां पर यूज नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो वहां पर हम एस को यूज करेंगे एज अ सफिक्स। काउंटेबल नाउन्स का मतलब है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ये पेन, इनको मैं काउंट कर सकती हूँ, पेंसिल उनको काउंट कर सकती हूँ, कंप्यूटर्स वो भी काउंटेबल है, ठीक है, ट्रीज वो भी काउंटेबल है, कार्स, डॉग, कैट्स, ये सब के सब काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, जैसे कि हेयर, हेयर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, पानी वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, हवा वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन्स की बात होती है तो हम एस को एज अ सफिक्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब भी काउंटेबल नाउन्स की बात होगी तो हम एस को एज अ सफिक्स जरूर यूज करेंगे, क्लियर है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक चिकन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। और इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है मुझे चिकन खाना अच्छा लगता है। आई लाइक चिकन मतलब आई वॉन्ट टू ईट चिकन, मुझे चिकन खाना पसंद है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। लेकिन अगर मैं यहां पर एस लगा देती हूं, चिकन्स, आई लाइक चिकन्स, इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे चिकन्स अच्छे लगते हैं, मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ देम, मुझे उनके साथ खेलना पसंद है, आई लव सीइंग देम, ठीक है। सो आई लाइक चिकन्स, देखिए जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर वर्ड के बाद में एस लगाया, इस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। पहले लिखा था आई लाइक चिकन मतलब मैं चिकन खाना पसंद करता हूँ, अब मैंने लिखा आई लाइक चिकन्स, इसका मतलब मुझे चिकन्स पसंद हैं, मुझे उनके साथ खेलना पसंद है, आई लव, आई एम हैविंग लव फॉर देम, क्लियर है। जैसे एक और आप एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक डॉग, अगर मैं बोलती हूँ आई लाइक डॉग, इसका मतलब ये है मुझे डॉग खाना पसंद है, आई वॉन्ट टू ईट डॉग। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ आई लाइक डॉग्स, इसका मतलब क्या है, आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग डॉग्स इन माई हाउस, घर में डॉग्स रहे मुझे अच्छा लगता है, आई लव प्लेइंग विद डॉग्स, ठीक है। तो आई लाइक डॉग्स का यहाँ मतलब है कि दैट यू आर हैविंग लव फॉर डॉग्स, ठीक है, घर में डॉग्स रहे वो आपको पसंद है। जैसे आई लाइक कैट मतलब क्या है, आपको कैट खाना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हो आई लाइक कैट्स, इसका मतलब क्या है, दैट यू आर हैविंग लव फॉर कैट, आपको कैट्स अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो कैट, डॉग, चिकन ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे ही आप एस लगा दोगे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है। तो जहां भी काउंटेबल नाउन्स होंगे वहां पर हम एज अ सफिक्स अपने लेटर एस को प्लेस कर देंगे। बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, आई हैव 50 रुपी, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि 50 रुपी, 50 रुपी जो है, 50 क्या है, इट इज अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहां पर आई हैव 50 रुपीज अगर मैं करती हूँ तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए हमें एस लगाना है, आई हैव 50 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर कभी ये हो आई हैव 1 रुपी, तो 1 है तो आप रुपी लगाइए, बिकॉज इट इज ओनली 1। लेकिन जब मोर देन 1 की बात होती है तो हम वहां पर एस लगा देंगे, आई हैव 5 रुपीज, देखा एक से ज्यादा था तो मैंने रुपी के आगे एस लगा दिया, क्या बन गया, आई हैव 5 रुपीज, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है। तो जहां भी काउंटेबल नाउन आएगा हम एज अ सफिक्स अपने लेटर एस को वहां पर प्लेस कर देंगे। बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, देयर वर सेवरल अपार्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर सेवरल का मतलब क्या है, सेवरल का मतलब है मोर देन 1,
क्या मतलब है इसका? मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। तो जहां पर भी मोर देन वन की बात होगी, ऑब्वियस सी बात है वो एक तरह का क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया है। मैं हर चीज के बारे में बात नहीं कर रही, मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बारे में बात कर रही हूँ। अपार्टमेंट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, वी कैन काउंट दी अपार्टमेंट्स। सो यहाँ पर अपार्टमेंट लिखना इज रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पर अपार्टमेंट्स लिखती हूँ तो ये करेक्ट हो जाएगा। देयर वर सेवरल अपार्टमेंट्स, बिकॉज अपार्टमेंट इट इज अ काउंटेबल नाउन। तो इस वर्ड के जस्ट एंड में एज अ सफिक्स हम लेटर एस को प्लेस कर देंगे। ये अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई हैव लॉट ऑफ कैट, तो क्या ये सेंटेंस सही है? जल्दी बताइए। नहीं, ये सेंटेंस गलत है। आई हैव लॉट, लॉट का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, बट ठीक है, बहुत सारा। कैट, कैट क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या हमने इसके आगे एस लगाया हुआ है? मतलब एज अ सफिक्स हमने क्या अपने लेटर एस को यहाँ पर प्लेस किया? नहीं। दैट मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आई हैव अ लॉट ऑफ कैट्स, अभी बिल्कुल करेक्ट है। माय सिटी हैज मेनी ट्रीज, मेनी, मेनी का मतलब भी क्या होता है? मोर देन वन। तो उसके लिए भी हम ट्रीज की बात कर रहे हैं। ट्री क्या है? काउंटेबल नाउन है, ट्रीज। तो हमें उस ट्री के जस्ट बाद में एस लगाना है, ठीक है, एज अ सफिक्स। वो बन गया ट्रीज। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, माय सिटी हैज मेनी ट्रीज। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है, इट इज करेक्ट। लास्ट वन, शी हैज टू मेनी कार। अब ये टू मेनी का मतलब क्या होता है? हम टू मेनी कब लगाते हैं? हम टू मेनी का यूज तब करेंगे जब हम किसी चीज से अचंभित हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। जैसे शी हैज टू मेनी ब्रदर्स, शी हैज टू मेनी ब्रदर्स, हम सरप्राइज हो गए। ओके, शी हैज 15 ब्रदर्स, माई गॉड। तो वहां पर हम लगाएंगे टू मेनी, जिस चीज से हम अचंभित हो जाए, जिस चीज से हम सरप्राइज हो जाए, ठीक है। सो शी हैज टू मेनी कार। तो यहाँ कार का एज इट इज लिखना क्या सही है? नहीं, शी हैज टू मेनी कार्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो अब इसको कैसे बोलोगे? शी हैज टू मेनी कार्स, हम सरप्राइज हो गए। शी हैज टू मेनी हाउस, शी हैज टू मेनी हाउसेस। ओके, तो टू मेनी कब लगेगा? जब हम अचंभित हो गए, सरप्राइज हो गए सुनकर। फाइन, सो आई होप यहाँ पर जो सेशन था रिगार्डिंग द यूज ऑफ द लेटर एस एज अ सफिक्स आपको क्लियर हो गया है। तो आपको ये पता चल चुका है कि जब भी काउंटेबल नाउन के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पर हम लेटर एस को जरूर यूज करेंगे एज अ सफिक्स। सो इस पर्टिकुलर सेशन में अगर किसी को कोई भी डाउट हो, देन प्लीज अपने डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड आई एम राखी, सेइंग यू ऑल अ गुड बाय एंड थैंक यू।